नमस्कार जी, हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग? आई विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ अन अकेडमी नीट लाइव डेली। अन अकेडमी भारत का अपना एजुकेशनल चैनल। आजकल तो आप टीवी पे भी देख पा रहे होंगे हम लोगों को, सिनेमा घर में जाते हैं वहां पे भी अन अकेडमी ही आपको नजर आता है। सो ये भारत का अपना चैनल जो कि दिनों दिन ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है, और इसकी लोकप्रियता का कारण है आप लोगों के द्वारा दिया गया प्यार और रिस्पेक्ट, जिसके कारण आज हम इस मुकाम पे हैं कि लाखों बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ जी, स्क्रीन पे नजर डालते हैं मेरे कौन कौन से राजा बेटा एंड राजा बेटियां हमारे साथ आ चुके हैं इस समय। रोशनी खुशवाहा हैं जी, हेलो युक्ता, वाहिद युक्ता, तुम तो बहुत रेगुलर हो भाई, वंडरफुल। श्वेता, सोनी, जयंत, तौसीफ, अफसीन, सोनी, निशान, जयंत, यू आर ऑल्सो रेगुलर, आपका नाम भी जुबान पे चढ़ चुका है। तौसीफ साहब आप भी रेगुलर हो चुके हैं। बाबू शियान, दीपांशु, हरीश, हर्ष, रजनी चोपड़ा, अहमद, करिश्मा, हर्ष प्रताप, सोनी, दीपक, वंडरफुल जी। चलिए, नाम लेने का सिलसिला तो चलता रहेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर, 20 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस, और हजारों बच्चे आज अपने मुकाम पे हैं मुझसे शिक्षा लेकर के। रैंक वन प्रोड्यूस किया है जी, एम्स में, डीपीएमटी में एंड एआईपीएमटी में। इंडिया की बेहतरीन टीम से आपको वाकिफ करवा दें जी, आपके ऑल टाइम फेवरेट महेंद्र बाहुबली सर, द मैजिशियन ऑफ फिजिक्स नमोकॉल सर एंड द मैजिशियन ऑफ केमिस्ट्री अश्विनी त्यागी सर। टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप अपने सेलफोन में डाउनलोड कर लीजिए और इसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। टेलीग्राम के जरिए हम आपको फोटोग्राफ्स, जितनी भी वीडियोज हैं, पिक्चर्स हैं, नोट्स हैं, पीडीएफ है, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करी जाती हैं, इवन वॉइस मैसेजेस भी। ओके, अनअकैडमी प्लस का ये प्लेटफॉर्म जो हर मायने में प्लस है, यूट्यूब पे तो हम आपको पढ़ाते ही हैं, इसके अलावा प्लस पे भी हम आपके साथ होते हैं जहां पे लाइव क्लासेस होती हैं, टेस्ट सीरीज है, क्विजेज है, डाउट क्लियरिंग सेशंस है, एंड इट्स अ मोर पर्सनलाइज्ड प्लेटफॉर्म। आप अपने कोई भी शक, सवाल, शुभा, गले शिकवे आप हमारे साथ कर सकते हैं। क्रैश कोर्स चल रहा है जी मेरा बायोलॉजी में, 3 महीने में कंप्लीट बायोलॉजी कवर कीजिए और बेहतरीन रैंक लेकर के आइए, और साथ के साथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक है बच्चे? नाउ कैसे ज्वाइन करना है क्रैश कोर्सेज, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करना है। अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्लस के सेक्शन में जाना है, उस ऐप में प्लस के बाद आपको नीट सेलेक्ट करना है। नीट सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन जब आप करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस होंगे। आप क्रैश कोर्स के लिए, यदि आप नीट 2020 का एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, क्रैश कोर्स जो है उसके लिए आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं तो प्रति महीना आपको 5,000 रुपए, यानी 3 महीने का 15,000, 15,000। लेकिन अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं सचिन लाइव, तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट है और आपका टोटल फी आ जाएगा 13,500 फॉर द क्रैश कोर्स। प्लस आप जब ऐप पे लेक्चर्स अटेंड कर चुके होते हैं पहले, तो कुछ क्रेडिट पॉइंट्स भी वहां पे होंगे आपके पास, आप उन्हें भी रिडीम कर सकते हैं, आपका फीस और ज्यादा कम हो जाएगी। राइट, कोड यूज करना मत भूलिएगा। मैं हमेशा कहता हूं सपने सच करने हैं तो सचिन लाइव आप मेरी शरण में आ जाइए जी। जब आप ये कोड यूज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मुझसे ही पढ़ पाएंगे भाई, आपके लिए दरवाजे खुल गए हैं, सभी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। आप महेंद्र सर की फिजिक्स की क्लासेस, केमिस्ट्री में अश्विनी त्यागी सर की क्लासेस, सबकी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। आप में से बहुत से बच्चे प्लस पे ऑलरेडी आ चुके हैं तो वो इसके फायदे जानते हैं। चलिए राजा बेटा आगे बढ़ते हैं। राइट, सो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, एनिमल किंगडम का टॉपिक हमारा चल रहा है और लेक्चर नंबर 10 है। आज हम पाइसेस, फिशेस, कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश एंड साइक्लोस्टोम्स के बारे में जानेंगे। आप देख पा रहे हैं यहां पे ये जो एनिमल इतनी तेजी से ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ये साइक्लोस्टोमेटा का ही मेंबर है। साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं एक गनथा डिवीजन में आते हैं, जॉलेस, है ना, जॉलेस वर्टिब्रेट्स हमने पढ़े थे। कॉडाटा का क्लासिफिकेशन आपको याद होगा, पिछली क्लास में बताया था। जिन लोगों ने किसी कारण से प्रीवियस लेक्चर एनिमल किंगडम का नहीं देखा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 11th में एनिमल किंगडम में आप पीछे के जितने भी टॉपिक्स कवर हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिंथस, टीनोफोरा, एशेल्मिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉडाटा, यूरोकॉडाटा, सिफेलोकॉडाटा, ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, आप जरूर देख लीजिएगा। राइट मैंने राजा बेटा, हां जी, अनुष, कुमारी प्रिया, किरण, सदफ, तौसीफ, सुरभि, इकरा, सुधांशु, मोनिका, लकी, अनुष,
अनम युक्ता। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है प्यारी सी बात मेरे पास आपसे शेयर करने के लिए। फिजिक्स रूल्स बट बायोलॉजी रियली ग्रोज ऑन यू। सो बायोलॉजी का कहीं ना कहीं ज्यादा वजन तो है, मानना पड़ेगा भाई। 50% ऑफ योर सिलेबस ऑफ नीट इज बायोलॉजी। यदि आपका बायोलॉजी पोर्शन स्ट्रांग हो जाता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाता है एग्जाम में। एग्री करेंगे इस बात से? नमस्ते जी। चलिए जी शुरू करते हैं कहानी साइक्लोस्टोम्स की। नाउ ध्यान से सुनेंगे, आवाज पे फोकस करेंगे। साइक्लो इज रेफरिंग टू सर्कुलर, गोलाई में। स्टोमा रेफर्स टू माउथ, उनका जो मुंह है। सो साइक्लोस्टोमेटा जो ग्रुप है, इसमें जो एनिमल्स आते हैं उनका माउथ सर्कुलर है, आप देख पा रहे हैं। और ये रहे, ये दांत भी हैं इनमें बड़े तीखे, ये अपने ये उनके माउथ का ऐसे एनलार्ज्ड व्यू आपको दिखाया गया है। सो ये दांत जो है अपने की गढ़ा देते हैं दूसरे जानवरों के शरीर में, पर्टिकुलरली और मछलियों के शरीर में। और ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, दे आर एक्टोपैरासाइट, ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट, ब्लड पे फीड करते हैं दूसरे जानवरों के। और आप जानते हैं जो जानवर जो है ब्लड पे फीड करते हैं, दे आर सैंग्विवोरस एनिमल्स, राइट। कुछ बच्चे क्रैश कोर्स के बारे में शायद जानना चाह रहे हैं यहाँ पे, आप हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे @Dr_SachinKapoor KAPUR, राइट। चलिए तौसीफ आगे बढ़ रहा हूं। जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं एनिमल्स के। क्लास साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं लैम्प्रेज, हैगफिशेस, पेट्रोमाइजन है, हैगफिशेस माइक्सीन। सो इस ग्रुप में जो एनिमल्स हैं हमारे पास वो हैं साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम्स में मतलब लैम्प्रेज एंड हैगफिशेस, ये दो नाम याद रखिएगा। मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं, मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेटा ग्रुप में ये मोस्ट प्रिमिटिव है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी, इनका हैबिट एंड हैबिटेट कैसा है। देखिए इधर आपको दिखाया गया है यहाँ पे इनका सर्कुलर सेक्टोरियल माउथ, ये एक दूसरी मछली के शरीर पे ये पैरासाइट की तरह हैं और ये उसका ब्लड सक कर रहे हैं अपने इन बड़े ही शार्प एंड पॉइंटेड दांतों के साथ। लैम्प्रे लिव इन सी, ये बात इंपॉर्टेंट है, यानी इनका हैबिटेट कैसा है, मैरीन है, लेकिन ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाते हैं फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब क्या होता है बेटा? स्पॉनिंग मींस गैमीट रिलीज फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जानवर यानी स्पॉन करने के लिए फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। आपने एनसीईआरटी में भी बात पढ़ी होगी। अच्छा बड़ी हैरानी वाली बात है इसमें, फ्रेश वाटर में माइग्रेट करे, स्पॉनिंग करा मतलब गैमेट रिलीज करे, मेल ने स्पर्म रिलीज करे, फीमेल ने एग रिलीज करे, वो फर्टिलाइज हुए और लार्वा बना, एमोसीट लार्वा होता है। पेरेंट्स दे डाई आफ्टर रिलीजिंग गैमिट्स, इनका जीवन चक्र कुछ इस तरह से होता है कि पेरेंट्स जो हैं दे डाई आफ्टर रिलीजिंग गैमिट्स, और जो इनके लार्वे हैं उनमें मेटामॉर्फोसिस होता है एंड दे माइग्रेट बैक टू द सेम प्लेस। वो वापस माइग्रेट करके समंदर में उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से उनके पेरेंट्स आए थे। अब देखो कितनी हैरानी वाली बात है, उनको कैसे पता कि पेरेंट्स कहां से आए थे, उन्हें कोई सिखाने वाला तो नहीं होता। तो क्या ये माइग्रेशन जेनेटिकली इम्प्रिंटेड होता है, उन्हें पता होता है कि उन्हें कहां जाना है। सो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये इन जानवरों के बारे में। और मैं चाहूंगा कि साथ के साथ जो है आप अपने लाइक्स भी बढ़ाते रहिए वीडियो पे, इतनी ब्यूटीफुल एनिमेशन आपके लिए लेकर के आया हूं, राइट जी। मोहम्मद कैफ, रोशन, फैजान, बिल्कुल इश्मीत सेठ आपने सही कहा, पेरेंट्स दे डाई आफ्टर रिलीजिंग गैमीट्स। 333 पीपल आर लाइव राइट नाउ, दैट्स वंडरफुल, राइट। चलिए कैन वी हैव 333 लाइक्स ऑल्सो, आपके लाइक्स मेरे लिए एटीपी का काम करते हैं, एनर्जी का। चलिए वापस देखते हैं इधर। फॉर फीडिंग लैम्प्रे अटैचेस टू अ लार्जर फिश बाय सेक्टोरियल माउथ, जो आप माउथ उनका देख पा रहे हैं सकिंग, सेक्टोरियल टाइप ऑफ माउथ है। These make punctures in the body of host with teeth. दांत होते हैं, ये उनका ब्लड सक करते हैं और ये sanguivorous हैं। This can be framed as a question for NEET. ध्यान रखिएगा, marine animals they migrate to fresh water for spawning,
Parents die after releasing gametes. Larvae undergo metamorphosis and they come back to the same place जहां से parents migrate कर रहे थे. उन्हें ये बात कैसे पता है कि भाई कहां जाना है, right? And another important thing कि blood sucking ectoparasites होते हैं. Now अब आप यहां पे देख पा रहे हैं ये इस आदमी के गाल पे, यहां पे cheek region पे ये petromycin जो है वो चिपक गया है. Can you see this thing closely? जैसे ही समंदर के पानी में नीचे झुके हैं ये एनिमल जो है चिपक गया है यहां पे. देखिए देखने में ही कितना आपको जो है वो दर्दनाक दृश्य लग रहा है ये, राइट जी. ग्रेट अर्पित, अनन्या, मोहम्मद जायद, रौनक, वंशिका, सोनल जायसवाल, मुनेश, साक्षी, रुद्रा, कोमल, रेखा, अनुष्का, अनुराग. चलिए जी आगे बढ़ते हैं राजा बेटा. देखिए इधर द बॉडी इज लॉन्ग ईल लाइक. इनकी बॉडी जो है ईल, ईल मछली होती है, फिश. आप देख पा रहे हैं इलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी है इनकी. नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर नो पेयर्ड फिन्स. दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. मछली जैसे लग रहे हैं पर इनमें कोई पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं. आप देख पा रहे हैं किस तरह बॉडी की अंडुलेशंस के साथ ही आगे आगे मूव कर रहे हैं. माउथ दिख रहा है इनका सर्कुलर. ये हमने ये ब्यूटीफुल से वीडियोस आपके लिए जो है लगाए हैं यहां पे ताकि आपको और क्लियर हो जाए चीज. मीडियन फिन्स सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस फिन रेज आर प्रेजेंट. अदरवाइज कोई पेयर्ड फिन्स नहीं होते. मछलियों का फीचर है पेयर्ड फिन्स की प्रेजेंस. इन एनिमल्स में पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं. एग्रीड. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, स्किन कैसी है इनकी. स्किन इज सॉफ्ट, स्मूथ, स्लाइमी एंड स्केल लेस. जैसे पाइसिस में, फिशेस में हम पढ़ेंगे उनका फीचर है कि शरीर में स्केल्स होते हैं. यहां पे इन जानवरों के शरीर में स्केल्स नहीं होते. सो दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन फॉर नीट. यूनिसेलुलर म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है, म्यूकस सिक्रीट करने वाली ग्लैंड्स है ताकि बॉडी जो है स्मूथ एंड स्लाइमी रहे इसमें, राइट. हमजा इकरम कह रहे हैं जी प्लीज मेरा नाम जरूर ले लीजिए. चलिए हमजा आपका नाम ले लिया, आप सेलिब्रिटी बन गए. एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है इनमें जी, कार्टिलेज से बना होता है. नोटोकॉर्ड परसेस थ्रू आउट लाइफ. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर. हमने पढ़ा था कि कॉर्डेट्स के तीन फंडामेंटल फीचर्स होते हैं. कौन कौन से? कॉर्डेट्स में सेंट्रल हॉलो डॉर्सल नर्वस सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स एंड प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड क्या था? स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि मीजोडर्म से डेवलप होता है. इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट. यही नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेट्स के केस में वर्टिब्रल कॉलम बना देता है. रीढ़ की हड्डी जो है वो नोटोकॉर्ड से बनती है. यहां पे देखिए ये हैं तो वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेटा डिवीजन में आते हैं, लेकिन नोटोकॉर्ड जो है इनकी दैट परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, राइट. दीपक जायसवाल, पंकज, वैभवी, मंगल, बाबू, वंशिका, आकाश, फैजान, मोहम्मद अनर, साक्षी, थैंक यू सो मच साक्षी पांडे, शुभम भारद्वाज, सोनी. चलिए देखते हैं इधर. वर्टिब्रे इनके इम्परफेक्ट, वर्टिब्रे पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है. डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार का है इन एनिमल्स का? अब आप इधर फिर से देख लीजिए अपने सर्कुलर एंड सेक्टोरियल माउथ से ये चिपक गए हैं शरीर के साथ. जॉलेस, इनमें जबड़ा नहीं है, तभी तो हमने ए गनेथा डिवीजन में रखा. दे आर जॉलेस. सर्कुलर एंड सेक्टोरियल माउथ है. द टंग बियर्स हॉर्नी टीथ. ये आप जुबान पे देख पा रहे हैं दांत, कितने नुकीले दांत नजर आ रहे हैं इनके माउथ में. इंटेस्टाइन हैज अ फोल्ड कॉल्ड टिफ्लोसोल. टिफ्लोसोल अर्थवर्म में भी हमने पढ़ा था. टिफ्लोसोल बेसिकली जो है वो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ा रहा है इसमें. मेजबीन अंसारी, अमन, रजनीश. गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज के लिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है 5 to 16 पेयर्स ऑफ गिल्स. गैस एक्सचेंज के लिए गिल्स हैं. एक्वेटिक एनिमल्स हैं तो गिल्स हैं. आगे हम फिशेस के बारे में पढ़ेंगे, उनमें भी गिल्स होते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इन जानवरों का? हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड है. देयर इज 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. साइनस वेनोसिस तो प्रेजेंट है. इट्स एन एडिशनल हार्ट चैम्बर. आपने नाम सुने होंगे एडिशनल हार्ट चैम्बर्स में साइनस वेनोसिस, ट्रंकस आर्टेरियोसिस, कोनस आर्टेरियोसिस.
sinus venosus present hai, but there is no conus arteriosus. These are additional chambers. Red blood corpuscles are circular, irregular and nucleated. RBCs are nucleated. Right? So basic si baat circulatory system ki yaad rakhna, two chambered heart hai. Fishes mein abhi padhenge aage, machliyaan jo hain, unmein bhi two chambered heart hai. Fish heart ka yaad hai, aapko venous heart kehte hain. Because ek auricle hai, ek ventricle hai. Auricle mein blood aaya, ventricle tak pahuncha, ventricle ne blood gills ko bhej diya. To heart jo hai, pumps only deoxygenated blood. Venous heart isi liye kehte hain. Excretion ke liye in janwaron mein, kidneys hai. Excretory structures are kidneys. Dhyan rakhna, vertebrata division hum padh rahe hain. Jitne bhi vertebrates hai na, un sab mein excretion ke liye kidneys hi hote hain. Cranial nerves 8 se 10 pair tak ho sakti hain. Cranial nerves jab humne padha tha, maine bataya tha, nerves which are attached to brain. Jo yahan to brain mein enter kar rahi hai, ye brain se bahar nikal rahi hai, unhe cranial nerves kehte hain. Reptiles, birds and mammals mein 12 pairs of cranial nerves hote hain. Reptiles, birds and mammals mein 12 pair. Inse niche ke jo janwar hain, amphibians ho gaye, fishes ho gayi, ye cyclostomes ho gaye, inme 10 pairs of cranial nerves hain. Clear hai bachche? Maria, Anu, Alam, Adnan, Rajesh Huda, Tanu, Anush, Yukta, Shanu, Vidhi, great ji. Samajh aa raha hai sabko? Pyare pyare likes aapke saath saath aate rehne chahiye, speed zyada to nahi hai. Aaj hum cyclostomes aur saath ke saath fishes ka cartilaginous fishes bhi finish kar lenge. Sense organs ka agar hum zikr kare in janwaron mein, ek olfactory sac structure hai, right? And lateral line sense organs, this is important. Fishes ke case mein bhi hai ye, lateral line sense organs are present which are going to detect the water current and even the electricity which is produced by the surrounding animals. Ear jo hai, membranous labyrinth hota hai. Aap yaad kijiye, humne human ear ke structure mein padha tha, external ear, middle ear, internal ear. Internal ear ko labyrinth kehte hain, humans ki baat kare to bony labyrinth, cochlea, uske andar membranous labyrinth hota hai. Yaad hai? So yahan pe ear ke naam pe membranous labyrinth structure hai. Next. Reproductive system, gonads bilkul simple hai, ducts nahi hoti, to ye gametes jo hai wo siloam mein shed karte hain aur fir urinogenital aperture ke through. So reproductive system mein koi anokhi, koi khas important baat nahi hai yaad rakhne wali. Fertilization yaad rakh lijiyega, external hota hai in animals mein. Fertilization external hai, larval stage yaad rakh lena. Fertilization external hoti hai aur jo larva banta hai inme, that is amocete. Ye amocete larva fir metamorphosis hota hai isme. This resembles, larva resemble karta hai lancelet ko. Structure mein and mode of life. Lancelet kya tha? Yaad hai? Humne cephalocaudata mein padha tha na animal. Branchiostoma. Jisko amphioxus bhi kehte hain. That is what is a lancelet. Clear hai ji? Right? Cyclostomata ka larva yaad rakhna hai, amocete. Larvae aapko bar bar repeat karwata hun classes mein. Isse pehle humne larvae padhe the, porifera se lekar ke, maine aapko sari larval stages bar bar repeat karwai hai, from porifera till isse pehle wala jo phylum tha, cephalocordates tak. Dobara se revise karna chahte hain? Haan ji, dobara se larvae ke naam jana chahte hain aap? Deepak Jaiswal, Harsh, Adnan, Mausami, Vanshika, Rekha, Yukta, Faizan, Hafizur Rahman, Kumari Priya, Ananya Singh, great. हाँ, अगर आप कोशिश करके याद रख पाएं तो well and good. मैंने आपको बोला था याद रखने का सिंपल तरीका है बच्चे, लिख के याद कीजिए. Animal kingdom की, plant kingdom की कुछ इतनी technical terms हैं, जब तक आप लिख लिख के याद नहीं करेंगे ना, दिमाग में नहीं बैठेंगे. ओके okay? और अब जो है सही समय है कि लिख लिख के याद करना शुरू कर दीजिए. युक्ता ने ठीक लिखा है, पेरेन्काइमुला एंड एम्फीब्लास्टुला जो है वो स्पॉन्जेस के केस में लार्वल स्टेजेस, राइट, वेरी गुड. चलो आगे बढ़े, ठीक है जी. चलिए, फर्टिलाइजेशन हो गया. एग्जांपल्स देखो, अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि हाथ में पकड़ रहे इस एनिमल को और कितनी तेजी से उसका मूवमेंट हो रहा है. दिस इज व्हाट इज द हैगफिश. सो आपको दो एग्जांपल्स याद रखनी है और ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. लैम्प्रे एंड हैगफिश यानी माइग्जीन. क्लियर है जी. सो साइक्लोस्टोमेटा में इतना ही जानना है. साइक्लोस्टोमेटा में हमसे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? एक तो साइक्लोस्टोमेटा वर्ड का ही मतलब याद रखना, ए गनेथा को बिलोंग करते, यानी जॉ नहीं होता है इनमें. सर्कुलर सेक्टोरियल माउथ है, ये ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट्स हैं, सैंगवीवोरस कहते हैं इन्हें. लार्वा एमोसीट होता है, ये याद रख लेना है. पेयर्ड फिन्स इनमें एब्सेंट होते हैं, मीडियन फिन प्रेजेंट है, स्केल लेस बॉडी है, ईल लाइक इलोंगेटेड बॉडी है.
क्लियर है जी, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट बताइए, इतना क्लियर है, सो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूं। 397 पीपल, कैन वी मेक इट 400 राइट नाउ, 400 के करीब लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत ही अच्छी बात है, सबका तहे दिल से स्वागत है जी। हाँ जी बताइए, आगे बढ़ सकते हैं, बोलो बच्चे। नितेश जी पूछ रहे हैं राइबोसोम क्या है, वेरी गुड नितेश, ये राइबोसोम की क्लास नहीं हो रही है बेटा, आप क्या बोले जा रहे हैं, एनिमल किंगडम की क्लास हो रही है और इतना किडिश क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं। आप बार बार वो चीज मत पूछिए, आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, डोंट डू इट। पंकज, युक्ता, स्वाति, अनुष, रौनक, क्लियर है सबको, बोले जी। तनु, गौरव, लकी, वाहिद, चिन्मय, वंडरफुल, ग्रेट, सबको क्लियर है जी। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब हम किस पे पहुंच गए जी, नेक्स्ट जो है हमारी सुपर क्लास है पाइसिस। ध्यान दीजिएगा, पाइसिस जो है मछलियां जिसमें आती है, इट्स अ सुपर क्लास। फर्दर इसकी दो क्लासेस हैं, क्लास कॉन्ड्रिच थाइज एंड क्लास ऑस्टिच थाइज। व्हेन यू से कॉन्ड्रिच थाइज, दैट रेफर्स टू कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। तो कॉन्ड्रिच थाइज में आती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। ध्यान दीजिएगा, फिश वर्ड का प्लूरल नहीं होता, फिश इटसेल्फ इज प्लूरल, स्कूल ऑफ फिश या हम बोल देते हैं, फिशेस जब आप कह रहे हैं ना, दैट रेफर्स टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश, क्लियर है। सो फिश वर्ड का एज सच फिशेज वर्ड प्लूरल नहीं होता है। वेल सो कॉन्ड्रिच थाइज जो है इसमें कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, ऑस्टिच थाइज जो है इसमें बोनी फिशेज हैं। पहले डिस्कस करते हैं कार्टिलेजिनस फिशेज। अच्छा क्या मुझे बता सकते हैं फिशेज की स्टडी को क्या बोलते हैं? हां जी बताइए, फिशेज की स्टडी को क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ फिशेज इज कॉल्ड, अवनीत, कार्तिक, जयंत, बताओ बेटा, तंद्रा, हर्ष, कुमारी प्रिया, युक्ता, रजनीश, रमा, गिरीश, मुकुंद, सर्वेश, अदनान, शानू, आदर्श, हिमांशु, बाबू, आदित्य। मैंने पूछा है कि फिशेस की स्टडी को क्या बोलते हैं, जैसे रेप्टाइल्स की स्टडी को हर्पेटोलॉजी बोलते हैं, इच्थियोलॉजी, सार्थक ने, हिमांशु ने, युक्ता ने सही बोला, पाइसियोलॉजी नहीं होता, साइंस लर्नर्स के नाम से एक आईडी, उन्होंने भी सही बोला है, इच्थियोलॉजी, परफेक्ट, द स्टडी ऑफ फिशेस इज इच्थियोलॉजी। चलो सो पहले डिस्कस करें कॉन्ड्रिच थाइस यानी कार्टिलेजिनस फिशेस। तो आप इधर देखिए, डर लग रहा है जी देख करके, क्या है ये शार्क दिखाई गए जी आपको, कॉन्ड्रिच थाइस में कार्टिलेजिनस फिशेज आती है, शार्क्स जो है मेरीन होती है। अच्छा अब इनका माउथ देखो, आपको ये टर्मिनल माउथ नहीं है, ऐसे वेंट्रल माउथ है, मुंह जो है इनका नीचे की तरफ होता है, राइट। कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेज के डिफरेंसेस आपको पढ़ने हैं। आपको स्लाइड पसंद आई है, वीडियो पसंद आया, जबरदस्त से लाइक्स आपके आने चाहिए साथ साथ। बिल्कुल सही लिख रहे हैं जी आप, इच्थियोलॉजी वाली बात आपने सही लिखी है। चलो आगे बढ़े, राइट, वी हैव 398 पीपल, कैन वी मेक इट 400 राइट नाउ? हाँ जी जल्दी से, और दो तीन लोगों के साथ 401 हो गए, वंडरफुल, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर हैबिट एंड हैबिटेट कैसा है भाई इन जानवरों का। अच्छा शार्क में एक खास बात नोट करना, इसका माउथ कैसे है, नीचे की तरफ है, मुंह जो है जैसे ऐसे, अगर आप शार्क दिखा रहे हैं ना, सो इनका माउथ ऐसे, ऐसे मान लो ये शार्क है, सो ये नीचे की तरफ होता है, दिस माउथ वी कॉल एज वेंट्रल, माउथ इज वेंट्रल, माउथ इज नॉट टर्मिनल कार्टिलेजिनस फिशेस के केस में, क्लियर है, दिख रहा है। शार्क के केस में दांत कितने जबरदस्त होते हैं, शार्क की सेंस ऑफ स्मेल भी बड़ी तेज होती है, और कितनी दूर से वो पानी में खून के कुछ ड्रॉप्स डिटेक्ट कर सकती है और आप पे हमला कर सकती है। प्रुडेशियस एनिमल्स होते हैं, शिकारी हैं ये, दीज आर मेरीन एनिमल्स एंड दीज आर प्रुडेशियस, हमला कर देते हैं, शिकार करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बॉडी देखें जनरलाइज वे में, सो एक शार्क की जैसे हमने बॉडी देखी, आप देख पा रहे हैं पीछे की तरफ टेल है, मछली जल की रानी है, यू नो दैट। अच्छा माउथ देखो, माउथ नोटिस करने वाली बात है, टर्मिनल नहीं है, आगे नहीं है, माउथ इज वेंट्रल, नीचे की तरफ है, राइट। ये रहा इनका डॉर्सल फिन, ये रहे पेक्टोरल फिन्स, पीछे टेल है। नाउ The body may be laterally compressed भी हो सकती है इनमें, या dorsoventrally flattened भी हो सकती है। Head है, trunk है, tail है, neck region नहीं होता इनमें, neck part is lacking। So एक fish की cartilaginous fish का जिक्र हो रहा है, bony fishes में अभी आएंगे, बिल्कुल जी बाबू श्यान आपने सही कहा है। बच्चे कह रहे हैं we are feeling like national geographic channel, that's really wonderful जी, nice to know that, love you all। चलिए आगे देखते हैं, appendages।
Fins are supported by horny fin rays. Right? मछली के कांटे जो होते हैं जिसे मूल देते हैं. Pelvic fins bear copulatory organ called claspers. This point is important. ये NCERT में भी mentioned है. So मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसे question की form में आपसे पूछा जा सकता है. Pelvic fin जो होता है उसमें clasper होता है male में. कॉपुलेशन में हेल्प करता है ये. इट इज फॉर होल्डिंग द फीमेल ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और ड्यूरिंग द कॉपुलेशन जिसे हम बोल देते हैं. इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है. राइट. सो कॉपुलेटरी ऑर्गन वाली ये वाली क्लास्पर वाली बात याद रखेंगे आप. एग्रीड जी. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. स्किन. इनकी स्किन में एपिडर्मल म्यूकस ग्लैंड्स हैं एंड प्लेकोइड स्केल्स हैं. स्केल्स जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं फिशेस में. आगे डिस्कस करूंगा आने वाली क्लास में आपके साथ. साइक्लॉइड स्केल्स, टेनॉइड स्केल्स, प्लेकोइड स्केल्स, गैनॉइड स्केल्स. एनसीईआरटी में ये टर्म मेंशन्ड है इसलिए मैंने आपको बताया है. हाँ जी. माइक में कुछ प्रॉब्लम है अनिमा. ओके जी ठीक है मैं करेक्ट करता हूं इसे. थैंक्स जी. थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट. राइट. चल नेक्स्ट देखते हैं बच्चे. एंडोस्केलेटन. एक मछली का एंडोस्केलेटन आप देखिए कैसा है. एंडोस्केलेटन इज एंटायरली कार्टिलेजिनस. तभी तो हमने इनको कार्टिलेजिनस फिशेस कहा है. नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट. इनमें भी नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है बट रिड्यूस्ड है. नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट बट इट इज रिड्यूस्ड. दिस कैन ऑल्सो बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन. नेक्स्ट देखते हैं जी. डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है इन एनिमल्स का. सुनो माउथ वेंट्रल है. ये बात इंपॉर्टेंट है. थोड़ी देर पहले ही मैंने बताई आपको. एलिमेंट्री कैनाल ओपन्स इनटू क्लोएका. क्लोएका समझते हैं. क्लोएका जी एक कॉमन चैम्बर जिसमें उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड इवन रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स भी डिस्चार्ज होते हैं. बर्ड्स के केस में भी हमने क्लोएका पढ़ा था. इंटेस्टाइन में स्क्रॉल वेल्व नाम का एक स्ट्रक्चर है जिसको स्पाइरल वेल भी कहते हैं. एंड इट इंक्रीजेस एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया. स्क्रॉल वेल आल्सो कॉल्ड स्पाइरल वेल. दैट इज गोइंग टू डू व्हाट. इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया. स्टमक प्रेजेंट है यहां पे. ठीक है पूरी तरह से डेवलप नहीं है बट दे हैव स्टमक एज यू कैन सी. स्पाइरल वेल्व यहां पे दिखाया गया है. रेक्टल ग्लैंड भी होती है इनमें. कार्टिलेजिनस फिशेस जो है वो मैरीन है ना. सो सॉल्ट भी उनको रेगुलेट करना होता है ये भी ध्यान रखिएगा. गैस एक्सचेंज कैसे हो रहा है. मछलियों के केस में गैस एक्सचेंज तो आप जानते हैं. गैस एक्सचेंज के लिए गिल्स होती हैं. जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके केस में लंग्स होते हैं. अब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं उनके केस में गिल्स होती हैं. देखते हैं जी. रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स. जब गिल्स के थ्रू गैस एक्सचेंज होता है तो उसके लिए एक टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं. दैट इज कॉल्ड ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर किसी एनिमल में स्किन के थ्रू गैस एक्सचेंज हो रहा है. स्किन किसी की सॉफ्ट है मॉइस्ट है जैसे एम्फीबियंस में भी होता है. सो उसको क्या बोलते हैं. क्या टेक्निकल टर्म हम उसके लिए यूज करते हैं. बॉयंसी का मतलब नहीं समझते आप विनय. जैसे पानी के अंदर है एनिमल. सो अगर बॉयंट नहीं है तो फिर वो डूब भी सकता है ना नीचे. हाँ जी बताइए युक्ता. मैंने ये पूछा है बच्चे जिन एनिमल्स में स्किन के थ्रू गैस एक्सचेंज होता है उसके लिए क्या टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं. क्यूटेनियस. बाबू ने सही कहा है. बिल्कुल ठीक है जी. युक्ता का भी जवाब सही है. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. रजनी चोपड़ा ने सही बोला है. श्वेता ने भी ठीक बोला है. मोहम्मद कैफ करेक्ट. शानू ग्रेट जी. शाहिब आपने भी सही बोला है. चिन्मय पारस वंडरफुल. सो वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहलाता है जब वो स्किन के थ्रू होता है. यहां पे क्या है गिल्स के थ्रू है तो हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कह रहे हैं. गिल्स को कवर करने वाला जो लिड है ऑपरक्यूलम वो यहां पे नहीं होता. ऑपरक्यूलम इज द गिल कवरिंग. स्विम ब्लैडर इज एब्सेंट. स्विम ब्लैडर को एयर ब्लैडर भी कह देते हैं. स्विम ब्लैडर के एब्सेंट होने के कारण इन एनिमल्स को फिर लगातार पानी में स्विम करते रहना पड़ेगा नहीं तो वो सिंक कर जाएंगे डूब जाएंगे. बोनी फिशेस के केस में हम देखेंगे कि स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है जिसके अंदर एयर फिल हो जाती है और वो उसे बॉयंसी देता है और एनिमल पानी में तैरता रहता है.
क्लियर है बच्चे, यहां पे स्विम ब्लैडर नहीं होता। ऑयल स्टोर्ड इन द लिवर प्रोवाइड्स दी बॉयंसी, लेकिन फिर भी वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो उसके भरोसे पानी में तैरता रह सके। दे हैव टू कॉन्स्टेंटली स्विम टू अवॉइड सिंकिंग, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। राइट आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी। सर्क्यूलेटरी सिस्टम कैसा होता है इन एनिमल्स में, फिशेस की बात हो रही है। एक तो ये भी ध्यान रखना है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, आप समझते हैं ना। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को एक्टोथर्मल एनिमल्स या पोएकिलो थर्मल एनिमल्स भी कहा जाता है। कोल्ड ब्लडेड से मतलब ये है कि भाई उनका शरीर का तापमान कॉन्स्टेंट नहीं है, इट फ्लक्चुएट्स विद द एनवायरमेंट। बाहर गर्मी है, पानी गर्म हुआ तो वो अपना शरीर उनका वैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा ठंड हुई तो वैसा हो जाएगा। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं यानी बर्ड्स एंड मैमल्स, होमियोथर्मल या एंडोथर्मल, उनका एक डेफिनेट तापमान शरीर का बना रहता है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स के दो ही ग्रुप्स होते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स। बाकी जितने भी हैं जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। राइट जी, चलिए आगे देखते हैं। हार्ट इज टू चैम्बर्ड हार्ट है इनमें, यानी एक ऑरिकल है एक वेंट्रिकल है, विद वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। इस तरह के हार्ट को वेनस हार्ट कहा जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन, कौन से एनिमल्स हैं जिनमें हार्ट को वेनस हार्ट कहा जाता है। अब वेनस हार्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज वो केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहे हैं। भाई ऑरिकल के अंदर बॉडी ऑर्गन से ब्लड आया, ऑरिकल ने वेंट्रिकल को भेजा, वेंट्रिकल वो ब्लड किसको पंप करेगा, बॉडी ऑर्गन्स को तो नहीं करेगा क्योंकि अभी वो ऑक्सीजनेट नहीं हुआ, लंग्स तो है ही नहीं इनमें। सो वेंट्रिकल जो है वो ब्लड पंप करता है किसको, गिल्स को। गिल्स का काम होता है फिर उसे ऑक्सीजनेट करना। हार्ट पंप्स ओनली डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। एडिशनल हार्ट चैम्बर्स प्रेजेंट है, साइनस विनोसिस, कोनस आर्टेरियोसिस। इससे पहले जो साइक्लोस्टोम्स पड़े थे उनमें भी एडिशनल हार्ट चैम्बर्स थे, साइनस विनोसिस हार्ट चैम्बर प्रेजेंट था। क्लियर है जी, फिश के हार्ट के बारे में समझ आ गई बात। सचिन शर्मा, राजेश रोशन, प्राची, सरिता, बिलाल, सोनी, कोमल, सृष्टि, अनुष, सना, इलेक्ट्रिक रे पे भी आते हैं, टॉर्पीडो के बारे में बताते हैं। बिल्कुल जी हाँ, मैंने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में भी ये बातें आपको बताई थी। ठीक है, तो वेनस हार्ट वाली बात याद रखनी है यहाँ पे। हार्ट केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, तो फिर ब्लड को ऑक्सीजनेट कौन कर रहा है बेटा, ब्लड को ऑक्सीजनेट करती हैं गिल्स। क्लियर है, राइट। डायग्राम में देखते हैं आप, देखिए ऑक्सीजन रिच वाटर एंटर करा, गिल्स के ऊपर से क्रॉस करता हुआ फिर वो पानी बाहर निकलता है। गिल्स में भी काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट करता है इनका, मछलियों में, राइट। और गिल्स के थ्रू गैस एक्सचेंज हो रहा है तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्लड, ब्लड इज रेड इन कलर, आरबीसीज आर ओवल, दे आर बायकॉन्वेक्स एंड दे आर न्यूक्लिएटेड। आप जितने भी ये लोअर एनिमल्स देख रहे हैं, आई मीन अदर देन मैमल्स, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आरबीसीज न्यूक्लिएटेड हैं। जब हम क्लास मेमेलिया में पहुंचेंगे वहां पे हम देखेंगे कि आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। क्लियर है जी, शाकिब अख्तर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है इन एनिमल्स में। किडनीज, मैंने बताया वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं भाई उनमें एक्सक्रीशन के लिए किडनीज होती हैं। सो एक्सक्रीशन इज बाय किडनीज। एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है यूरिया। जो एनिमल्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, सो दैट मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज यूरियोटालिज्म एंड उन एनिमल्स को हम यूरियोटेलिक एनिमल्स कह देते हैं। सो मछलियों में एक्सक्रीशन के लिए किडनीज हैं। कौन सी, ये वाली कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करें, यूरियोटेलिक हैं। बोनी फिशेस में भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स किडनीज हैं। आगे हम देखेंगे कि वहां पे अमोनिया मेन एक्सक्रीटरी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यूरिया जो है वो बनता कहाँ है बॉडी में। यूरिया इज सिंथेसाइज्ड बाय यूरिया साइकिल, हमने पढ़ा है अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके यूरिया साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल या क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी कहते हैं। वेयर इज यूरिया सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। गौरव, खुशी, रौनक, बाबू, युक्ता, शानू, अमरजीत, राजाराम, सचिन, सना, रेखा, हाँ जी बोलिए, वंशिका, मंतशा, साक्षी, यूरिया का सिंथेसिस कहां होता है। अनुष्का, शानू, राहुल, रामचरण, नसीम,
लिवर, वंशिका ने सही बोला है, बहुत से बच्चों ने सही कहा है, आदित्य, हनी आपने भी सही बोला, प्रियंका बिल्कुल ठीक है जी, लिवर में यूरिया सिंथेसिस लिवर में होता है, वेरी गुड। सो ये जानवर यूरिया रिलीज करते हैं, यूरियोटालिज्म। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका बॉडी स्ट्रक्चर का इंटरनल पार्ट दिखाया गया है, यू कैन सी स्पाइरल वेल्व, यू कैन सी लिवर ऑल्सो, दिस इज द किडनी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नर्वस सिस्टम। यहाँ पे आपको शार्क के ब्रेन का वेंट्रल व्यू दिखाया गया है। नर्वस सिस्टम इनमें ठीक ठाक डेवलप्ड है, सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं, बिकॉज इससे नीचे के जो हमने साइक्लोस्टोम्स देखे थे उनमें भी क्रेनियल नर्व्स 8 टू 10 पेयर्स हैं, यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स जो है वो 10 पेयर्स हैं। और 12 पेयर्स कहाँ पाई जाती है क्रेनियल नर्व्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में। क्रेनियल नर्व्स का डिटेल्ड टॉपिक मैं कर चुका हूं आपके साथ क्लास 11th के नर्वस सिस्टम में, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है क्रेनियल नर्व्स का टॉपिक आप एक बार क्लास 11th का प्लेलिस्ट देख लीजिए हमारे इसी चैनल पे, और उस प्लेलिस्ट में नर्वस सिस्टम वाले टॉपिक में जाइएगा आपको क्रेनियल नर्व्स मिल जाएंगी, सारी क्रेनियल नर्व्स मैंने डिटेल में समझाई हुई हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरिंजियल, वेगस, स्पाइनल एसेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, थिकेस्ट कौन सी है, पैथेटिक क्रेनियल नर्व किसको बोलते हैं, मैक्सिमम ब्रांचेस किसकी है, ये सारी चीजें क्रेनियल नर्व्स के बारे में हम वाहिद राजाराम मौसमी विधि डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है वैभवी, हार्दिक जी, शानू, क्लियर है राइट बच्चे, चलिए आगे बढ़े, ग्रेट। कुछ बच्चे कह रहे हैं ये वाई क्रोमोसोम जैसा लग रहा है, ग्रेट, दैट वाज नर्वस सिस्टम। अब इनके सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं बच्चे, सेंस ऑर्गन्स जो हैं यहां पे लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना मेरे बच्चे, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स इनमें प्रेजेंट हैं। इनका काम होता है दीज डिटेक्ट द वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स जनरेटेड बाय अदर एनिमल्स। तो कई बार पूछ लेते हैं कि लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स जो है वो कौन से एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके जी चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट टेम्परेचर का हमने जिक्र किया था, मैंने आपको बोला था कि ये जानवर कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोए किलो थर्मल टर्म याद रखना, एक्टोथर्मल भी बोल देते हैं, इसका मतलब क्या है कि इनके शरीर का तापमान कांस्टेंट नहीं रहता, इनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस के अनुसार, देयर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स। और जिन जानवरों का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं या एंडोथर्मल एनिमल्स कहते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है जी, सेक्सेस सेपरेट हैं, डायोशियस एनिमल्स हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी है, जैसे मैंने क्लैस्पर्स वाली बात बताई थी कि मेल एंड फीमेल फिश को अगर पहचानना है देख करके तो क्लैस्पर्स के जरिए हम जो है पहचान सकते हैं। गैमीट्स आर डिस्चार्ज्ड इनटू क्लोएका, व्हाट इज क्लोएका, अ कॉमन ओपनिंग जिसके थ्रू वो अपने एग्स भी या गैमिट्स भी रिलीज करेंगे, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल भी रिलीज करेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड भी रिलीज करेंगे। फर्टिलाइजेशन, इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, जब हम बोनी फिशेस का जिक्र करेंगे तो उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, यहां पे इंटरनल है। ठीक है जी, दैट मींस द मेल होल्ड्स द फीमेल विद द हेल्प ऑफ दोस क्लैस्पर्स जिसका हमने जिक्र किया था, ट्रांसफर्स द स्पर्म्स टू द फीमेल बॉडी, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। क्लियर है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट कैसा है। डेवलपमेंट में मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर ओवो विविपैरस, ओवो विविपैरस का मतलब है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया लेकिन वो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो मदर की बॉडी से रिलीज नहीं होता है, दैट फर्टिलाइज्ड एग रिमेन्स इनसाइड द मदर्स बॉडी, और प्रॉपर प्लेसेंटा फॉर्मेशन नहीं है। अगर प्रॉपर प्लेसेंटा बन जाए और मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन ले वो, तब हम कहेंगे विविपैरस। तो यहां पे क्या है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है बट देयर इज नो प्रॉपर प्लेसेंटा फॉर्मेशन, वो फर्टिलाइज्ड एग मदर के शरीर में ही डेवलप होकर के फिर द यंग वन इज डिलीवर्ड आउट, यंग वन बेबी जो है वो डिलीवर होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं यहां पे क्या क्या मिलेंगे आपको, देखिए जी एग्जाम्पल में हमारे पास स्कॉलियोडॉन है, दैट इज डॉग फिश, इंडियन शार्क भी बोल देते हैं इसको, स्कॉलियोडॉन और द डॉग फिश। डॉग फिश को डॉग फिश क्यों बोलते हैं, सेंस ऑफ स्मेल जो है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड होती है। दूसरा आप देख पा रहे हैं टॉर्पीडो, दिस टॉर्पीडो इज व्हाट, इट इज इलेक्ट्रिक रे, करंट मारती है। इसके जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, बड़ा तेज करंट लगता है इसे, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स क्या है, दे आर मॉडिफाइड मसल सेल्स। ठीक है हार्दिक, शानू, संदीप,
क्लियर है जी. इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जो हैं वो मॉडिफाइड मसल सेल्स होते हैं. मैं लिख देता हूं ये बात, ध्यान रहेगा आपको. इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर मॉडिफाइड मसल सेल्स. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. ठीक है, और एग्जांपल दिखा रहा हूं यहां पे. ट्राइगन, ट्राइगन इज व्हाट? स्टिंग रे. दिस ट्राइगन और द स्टिंग रे, इट हैज पॉइजनस स्टिंग. इट हैज पॉइजनस स्टिंग. काइमेरा, इट इज रैबिट फिश, रैट फिश भी बोल देते हैं, किंग ऑफ हैरिंग्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड घोस्ट फिश. इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? घोस्ट फिश. देख पा रहे हैं यहां पर? चलिए, सो ये कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स देखे आपने क्लास कॉन्ड्रिच थाइस के. राजेश आपने ठीक लिखा है. अनुष, यू आर राइट, मॉडिफाइड मसल सेल्स. विनय, चिन्मय, संदीप, शुभम, रेखा, उमेश, जयंत, तनु, सभ्यसाची चक्रवर्ती, बाबू, संदीप, सना, मौसमी, महेश. ग्रेट, वंडरफुल. सो आपने जाना आज किसकी चीज के बारे में? एक तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा हमने डिस्कस करा है ना, उसके अलावा हमने कॉन्ड्रिच थाइस डिस्कस करे. मैं एक बार क्विकली जल्दी से आपको फिर से दिखा देता हूं कि हमने आज के क्लास में क्या क्या चीजें डिस्कस करी हैं और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं जो आपको याद रखनी है. एनिमल किंगडम में धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे ना तो इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा होती जाएगी. सो आपको फिर ये भी बर्डन भी लगने लग सकता है कि भाई इतनी सारी चीजें हम याद कैसे रखें. चलिए एक बार पहले देख लेते हैं हम जो साइक्लोस्टोम्स है इनके बारे में क्या याद रखना है आपको. आइए जी इधर, साइक्लोस्टोमेटा, ये रहे जी आपके सामने साइक्लोस्टोम्स. मैंने बताया था साइक्लोस्टोमेटा वर्ड का मतलब ही होता है दे हैव सर्कुलर एंड सक्टोरियल माउथ, और ये दूसरे जानवरों के शरीर पे एक्टोपैरासाइट्स हैं, पर्टिकुलरली फिशेस. ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट्स को सैंग्वीवोर्स कहते हैं. लैम्प्रे, पेट्रोमाइजन, हैगफिश, माइगजीन इसके एनिमल्स हैं. ये मैरीन होते हैं बट ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं गैमिट डिपॉजिट करने के लिए, स्पॉनिंग के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन. और जब ये गैमिट्स रिलीज कर देते हैं पेरेंट्स, दे डाई आफ्टर रिलीजिंग द गैमिट्स. यंग वंस जो हैं, लार्वे जो हैं, एमोसीट मेटामॉर्फोसिस के बाद दे रिटर्न बैक टू द सी वाटर. ओके, नेक्स्ट, ईल लाइक बॉडी होती है, इनमें पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है. देयर इज वन मीडियन फिन व्हिच इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस फिन रेज. शरीर इनका स्केल लेस होता है, दैट कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन. म्यूकस प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड जरूर होती हैं. एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना है लेकिन इनकी नोटोकॉर्ड जो होती है दैट नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन. नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम में ध्यान रखना है एगनेथा के मेंबर्स हैं. जॉलेस है, माउथ सर्कुलर है, सेक्टोरियल है. इंटेस्टाइन में टिफ्लोसोल होता है. टिफ्लोसोल इंक्रीजेस दी एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, ये बात ध्यान रखनी है आपने. फिर मैंने आपको ये वीडियो भी दिखाया था यहां पे, देख सर हाथ पे चिपक गया है वो, इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं ये एनिमल. गैस एक्सचेंज के लिए 5 पेयर से 16 पेयर तक गिल्स हो सकते हैं इनमें. हार्ट जो है 2 चैम्बर्ड है. साइनस विनोसिस जो है वो प्रेजेंट है, एडिशनल हार्ट चैम्बर. ब्लड जो है आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज न्यूक्लिएटेड हैं. एक्सक्रीशन के लिए किडनीज हैं, ध्यान रखना जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सब में एक्सक्रीशन के लिए किडनीज ही होते हैं. नर्वस सिस्टम में 8 to 10 pairs ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं. सेंस ऑर्गन्स में लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स ध्यान रखने हैं यहाँ पे. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहा था कोई विशेष ऐसी खास बात नहीं है जो आपको याद रखनी होगी. फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल है. लार्वा आप याद रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज एमोसीट. एमोसीट लार्वा जो है वो ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस से रिजेंबल करता है. एग्जाम्पल्स 2 याद रखनी है, लैम्प्रे एंड हैगफिश. क्लियर है जी, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है. किसी का कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल जी, क्रैश कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है बच्चे. आप में से जो लोग भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा प्लस पे, क्रैश कोर्स यूट्यूब पे नहीं है तो आप प्लस पे आ जाइए जल्दी से 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके. और जो कोड आपको यूज करना है वो मैंने आपको बताया था, सचिन लाइव. राइट युक्ता, कौन सा कोड यूज करेंगे बताएंगे लिख करके. द कोड टू बी यूज्ड इज सचिन लाइव. क्लियर है जी, चलो
आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या डिस्कस किया जी आपके साथ, पाइसेस, सुपर क्लास है पाइसेस, दो डिविजन्स है उसकी, क्लास कॉन्ड्रिज थाइज एंड क्लास ऑस्टिज थाइज, यानी कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस। आज हमने कार्टिलेजिनस फिशेस का जिक्र किया, जिसमें हमने जिक्र किया है शार्क का। शार्क का माउथ टर्मिनल नहीं है, माउथ जो है वेंट्रल होता है, आप देख पा रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं जी, हैबिटेट मैरीन है, प्रेडेशियस एनिमल्स हैं, ये शिकारी होते हैं, हमला कर देते हैं, सेंस ऑफ स्मेल काफी अच्छी डेवलप्ड होती है इनमें, बॉडी लेटरली कंप्रेस्ड हो सकती है या डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन भी हो सकती है, नेक रीजन नहीं होता, बॉडी डिविजिबल होती है हेड ट्रंक एंड टेल में। ओके, कॉपुलेटरी ऑर्गन में क्लैस्पर्स याद रखना, क्लैस्पर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं इनमें, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ वाला पॉइंट वेंट्रल है और इनमें स्पाइरल वेल्व होता है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्टिव सर्फेस एरिया बढ़ाने के लिए, गैस एक्सचेंज के लिए गिल्स हैं, ऑपरक्यूलम नहीं होता, स्विम ब्लैडर नहीं होता, दे हैव टू कॉन्स्टेंटली स्विम टू अवॉइड सिंकिंग। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम में टू चैम्बर्ड हार्ट है, जिसको वेनस हार्ट भी कहते हैं, इट पंप्स ओनली डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, गिल्स के थ्रू गैस एक्सचेंज होता है तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, रेड कलर का ब्लड है, आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक्सक्रीशन के लिए किडनीज होती हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है जी, यूरिया, जिसके कारण हम इनको यूरियोटेलिक एनिमल्स कहते हैं, नर्वस सिस्टम में 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, सेंस ऑर्गन्स में लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स दे आर प्रेजेंट, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, पोइकिलो थर्मल भी कहते हैं, एक्टोथर्मल भी, कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि बॉडी टेम्परेचर फिक्स्ड नहीं होता, इट फ्लक्चुएट्स विद द एनवायरमेंट। एक क्वेश्चन बार बार पूछे, सर आप क्लास 11th एनसीईआरटी और कौन सी बुक प्रेफर करो, इज ये वो, सेंटेंस भी आपका ग्रामेटिकली एकदम गलत है, आप शायद ये पूछना चाह रहे हो क्लास 11th के लिए बुक कौन सी रेफर करें, एनसीईआरटी प्लस आप हमारे वीडियो लेक्चर्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं बेटा, नोट्स आपको यहां भी मिल जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। सेक्सेस सेपरेट है, राइट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओवो विविपैरस होते हैं, एग्जांपल्स आपके सामने दिए, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे है, ट्राइगन जो है वो स्टिंग रे है। क्लियर है जी, सब बातें क्लियर, जल्दी से थम्स अप साइन मिल सकते हैं आपके, कोई डाउट है किसी को, कोई कुछ पूछना चाहता है तो जरूर पूछिए। हां जी, चलिए एंड में आपको बता दूं कि टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप आप अपने सेलफोन में जरूर डाउनलोड कर लीजिए, इसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। टेलीग्राम का ऐप जब आप डाउनलोड कर लेंगे तब हम आपके साथ वीडियोस, फाइल्स, लिंक्स, वॉइस मैसेजेस शेयर कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, आई नो आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, पहली बार है, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, उससे क्या होगा जितने भी नोटिफिकेशंस हैं राजेश वो सब आप तक पहुंच जाएंगे, है ना, राइट। नाउ अब मेरे दाएं बाएं जो अब आपसे क्या कहा जा रहा है, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है आपने, जितना भी मैंने पढ़ाया है इसके जो पीडीएफ नोट्स है, जो स्लाइड्स मेरे पीछे चल रही थी, ये सब आपके लिए, ये सब आपको मिल जाएगा। कैसे, जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, उस पर क्लिक करना, लिंक दिया होता है वहां पे, उस लिंक में जाइएगा, आपको ये सारे ब्यूटीफुल नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे, आपको अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना है। ये हमारे सिस्टर चैनल्स हैं, इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी जेईई एंड जूनियर क्लासेस के लिए अनअकैडमी फाउंडेशन। क्लास 11th के टॉपिक्स कब कब पढ़ाते हैं आपको, मेरे साथ आपकी क्लास कब कब होती है 11th के टॉपिक के लिए, हर मंडे ट्यूजडे, आज ट्यूजडे है ना, और वेडनेसडे, टाइमिंग 4-5-6, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट। क्लास 12th के टॉपिक्स फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को, बायोलॉजी 4 बजे, फिजिक्स 5 बजे, केमिस्ट्री 6 बजे। नाउ क्लास के एंड में बता दूं, जो बच्चे क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं या जो हमारा प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं बच्चे, आप प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए कोड ये यूज कीजिएगा, अगर आप क्लास 11th में हैं तो आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, अगर आपने नीट 2020 देना है तो 3 महीने वाला क्रैश कोर्स, जल्दी से आ जाइए, आज भी इवनिंग में क्रैश कोर्स की क्लास है, मुझे इंतजार रहेगा, जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, कोड यूज कीजिए और अपने सपने साकार कीजिए। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, कहीं जाइएगा मत, कमिंग अप नेक्स्ट इज व्हाट, कमिंग अप नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन बाय आपके ऑल टाइम फेवरेट महेंद्र बाहुबली सर। टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं जी, कैपलर्स लॉ, राइट। चलिए इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं, जो बुक आप कह रहे हैं एमटीजी, ठीक है, इट्स ओके, यू पीपल कैन यूज दैट बुक, ठीक है। चलिए
विदा लें जी, अब लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, लेक्चर जब अपलोड हो जाए यूट्यूब पे अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, नमस्कार।